नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को उत्तराखंड पहुंचे हैं। वो यहां स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षा समारोह में रक्षा मंत्री ने मेडिकल के अलग अलग पाठ्यक्रमों के बच्चों को डिग्रियां दी। वहीं रक्षा मंत्री के आगमन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। सुबह करीब 11 बजे रक्षा मंत्री जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के लिए रवाना हुए। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के जरिए मानवता के कल्याण की कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व में तरक्की की एक नई इबारत लिख रहा है। आने वाले 25 सालों में भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। उन्होंने कहा कि साल 2015 से पहले जहां भारत का टॉप इकोनॉमिक साइज टॉप 10 था, वहीं आज भारत टॉप 5 में स्थान बना चुका है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए काम आने वाली सेवा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से अपील की है कि वो इसके बाद समाज में जाकर अपनी उपयोगिता को सार्थक करने का काम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।